रतलाम के पास मोरबनी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले कनेरी गांव के युवक के शव के मामले में रतलाम पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के मामले का खुलासा किया। बता दें कि 6 दिन पूर्व मृतक रवि गुर्जर की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु धारदार हथियार और अन्य चोटों की वजह से होना पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर गांव के ही अर्जुन गुर्जर और मुकेश कटारा से पूछताछ की तो मामला आपसी विवाद में हत्या का निकला। आरोपियों ने रवि गुर्जर द्वारा गाली गलौज करने और विवाद करने से नाराज होकर योजना बनाकर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य आरोपी नाबालिग हैं, वहीं 2 नाबालिग आरोपी फरार हैं। और इसमें आप देखेंगे कि 2 व्यक्तियों का नाम इसमें पहले निकल कर आया था कि जो लास्ट सीन के हिसाब से है कि जो अंतिम बार जब मृतक की उसने पहचान ली कि ये मृतक रवि गुर्जर नाम का व्यक्ति है जो क्षेत्र है वहां का निवासी है कनेरी का। इसका लास्ट सीन जो है 4-5 लोगों के साथ देखा गया है। तो है कि किसी ने घर के सामने जो पानी का नल लगा रहता है तो नल की डोरी हटा दी और कुछ बात की बात किसी ने हटाई तो उस तरह से ही ये बात निकलकर आई।